Hey guys, how are you all? This is me, Saloni Sinha. Welcome or welcome back to Justic Cosmetics. So guys, today I'm going to talk about lip fillers. कि lip filler treatment क्या होता है, कैसे होता है, क्या precautions लेना, सब बताऊँगी इस वीडियो में. But उससे पहले आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली lip fillers आर बेसिकली इट इज़ अ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट दैट मॉडिफाइज द शेप ऑफ द लिप्स यूजिंग fillers सच एज collagen एंड implants. ये एक cosmetic एक प्रोसीजर है जहाँ पे आप लिप्स की शेप को मॉडिफाई करते हैं, जिसमें यहाँ पे फिलर्स यूज़ किया जाता है. फिलर्स हो सकता है कोलाजन या इम्प्लांट्स. अब जानते हैं कि लिप फिलर्स लोग क्यों कराते हैं. पहला रीज़न ये है कि वो अपने लिप्स का साइज़ को इंक्रीज़ कराना चाहते हैं. दूसरा रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों के लिप्स जो एसिमेट्रिक होते हैं, मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो इसलिए भी लोग कराते हैं. एंड थर्ड रीज़न इज़ कि कुछ लोगों के जो अपर लिप्स होते हैं ये वाले, वो थोड़े छोटे होते हैं, ये बड़े होते हैं, तो थोड़ा देखने में डिफरेंस लगता है, अलग लगता है. सो ये डिपेंड करता है लोगों के सोच पे कि जिसको जैसा पसंद है वैसे करवा सकते हैं. एंड ये एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जिसमें बहुत पैसे भी लगते हैं. इस प्रोसीजर को करने के लिए डॉक्टर्स बेसिकली सर्जिकल इंजेक्शन्स यूज़ करते हैं. व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज ओवर द टाइम वी मे लूज़ द वॉल्यूम इन आवर लिप्स. इट मे रिजल्ट्स ऑफ जेनेटिक, स्मोकिंग और यूवी एक्सपोजर. तो समय के साथ हमारे लिप्स का वॉल्यूम धीरे धीरे कम होते जाता है. ये जेनेटिक की वजह से भी हो सकता है, या फिर सन में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है तब हो सकता है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हो तो भी हो सकता है. सो यहाँ पे आपको प्रिकॉशन क्या क्या चीज़ें लेने की ज़रूरत है. पहला, आपको अल्कोहल नहीं पीना है 24 आवर्स तक. स्मोकिंग नहीं करना है 24 आवर्स तक. कोई स्पाइसी फूड नहीं खाना है 24 आवर्स तक. और हाँ, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है और पैनिक नहीं करना है. स्वेलिंग एंड ब्रूजेस जो होते हैं वो कॉमन सिम्टम्स है, इसको देख के घबराना बिल्कुल नहीं है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये कितने टाइम तक लास्ट करता है, कितने टाइम तक टिकता है. वेल, इट डिपेंड्स. इट मे लास्ट फॉर 18 to 12 months. आपको लिप फिलर ट्रीटमेंट नहीं करवाना है, आप इतना दर्द नहीं झेल सकते, इतने पैसे नहीं खर्च कर सकते, इतना रिस्क नहीं ले सकते हो, तो आप नॉन सर्जिकल अल्टरनेटिव्स भी यूज़ कर सकते हो. जैसे कि आजकल बहुत सारे लिप प्लम्पर्स आते हैं, सारे सक्शन पम्प आते हैं, तो ये दोनों प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हो. बेसिकली ये दोनों प्रोसेस आपके लिप को फुलर दिखाता है. पर लिप ग्लॉसेस आते हैं जो आपके लिप्स को बहुत ज़्यादा प्लम्पी दिखाते हैं. एंड अगर बात करें सक्शन पंप की, तो ये काइंड ऑफ एक डिवाइस होता है जिसमें आपको अपने लिप्स को उसके अंदर डालना है. एंड ये वैक्यूम के द्वारा आपके लिप्स को बहुत ज़्यादा फुलर दिखाता है. बेसिकली वैक्यूम के द्वारा ये आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, जिसके कारण आपके लिप्स बहुत ज़्यादा प्लम्पी दिखते हैं. अगर प्रोसेस की बात करें तो ये बहुत इजी प्रोसेस है. इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपके लिप्स को नम करने के लिए आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि आपका जो ये वाला पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा नम हो जाए, ताकि जब भी फिलर्स आपके लिप्स में इंजेक्ट किया जाए तो आपको दर्द ना हो. तो जब भी ये इंजेक्शन दिया जाता है, उसके कम से कम 15 से 30 मिनट बाद आपके लिप्स पे फिलर्स को इंजेक्ट किया जाता है. एंड ऐसे ही ये प्रोसेस कंटिन्यू किया जाता है. एंड या, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. इफ़ यू डिड, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. आई विल सी यू नेक्स्ट वन गाइज. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.